शीडिंग ने अवाम दिक्की का जीना हराम कर दिया। नारवा लोड शीडिंग की वजह से मकीन इलाका बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अता मोहम्मद का अपने दीगर साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मजीद तफसीलात देखते हैं एम एस रावी की इस रिपोर्ट में। जी एम एस, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिए। वापडा की नारवा लोड शेडिंग ने हवामी दुखी का जीना मोहाल कर रखा है। मकीन इलाका बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन मशेरान इलाका की खामोशी हमेशा की तरह इस बार भी बरकरार। अता मोहम्मद का अपने देगर साथियों के हमरा फ्रेंस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने अपने फ्रेंस कॉन्फ्रेंस में कहा नारवा लोड शेडिंग की वजह से मकीन इलाका फ़राइज अदा करने से काफ़िर रहे। उन्होंने कहा इलाके से बिजली इस तरह गायब हो गई जिस तरह गद्दे के सिर से सिंह। उन्होंने कहा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, इसलिए टेढ़ी उंगली से घी निकालने का हुनर आजमाना होगा। उन्होंने भरपूर एहतजाज जुकाट करने का ऐलान करते हुए कहा शेरना मुराद में हमेशा इन्हीं की सुनी जाती है जिनके पास दौलत के ढेर हो। उन्होंने कहा मक्के ने गरीब आबाद के साथ बरसों से सुतली माँ जैसा सलूक बरता जा रहा है, लेकिन हमने हमेशा खामोशी में अफियत जानकर खुद को बड़ी सज़ा दिलवाई। उन्होंने आवाम से एहतजाज में भरपूर शिरकत की इस्तदा की, जो मरहूम सरदार दूर मोहम्मद नासर चौक पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। एम एस रावी सिलदकी बलोचिस्तान।